अति सिंह जिनकी टिकट कटी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ कह रही है, इतने लौटेंगे आपके पास, सुनते हैं स्वाति सिंह क्या कुछ कह रही है। जीवन मंत्री, मैंने कहा कि मैं जिस परिवार का हिस्सा हूँ, ऐसा नहीं है कि परिवार में दायित्व हर वक्त, जब मैं आई थी भारतीय जनता पार्टी में तो मैं महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी, ये जरूरी तो नहीं है कि मैं परमानेंट में ही महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी रहूं। पार्टी ने मुझे टिकट दिया, पार्टी ने सरोजिनी नगर विधानसभा से मुझे जिताया, पार्टी ने मुझे मंत्री बनाया, तो पार्टी का जो भी निर्णय है, जब पार्टी ने महिला मोर्चा का अध्यक्ष भी बनाया था तब मैं नहीं जानती थी मैं विधायक बनूंगी, तब नहीं जानती थी मैं मंत्री बनूंगी, लेकिन पार्टी ने किया। इस निर्णय में भी पार्टी ने अच्छा सोच के ही किया होगा। जयशंकर जी के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई है सरोजिनी नगर सीट को लेकर, उसको भी जिम्मेदार मानती हैं, जिस तरह से उन्होंने भी अपना दावा पेश किया। कौन सी कंट्रोवर्सी, मैंने कभी एक शब्द भी बोला नहीं, एक ऑडियो वायरल हुआ था उसको जिस तरह से वो भी दावा कर रहे, उस ऑडियो के लिए भी मैंने क्या एक शब्द भी बोला? कौन सी कंट्रोवर्सी, मैं तो ये देखती हूँ कि मीडिया में कुछ भी चलने लगता है, सूत्र लिखिए कुछ भी चला। आप एक नहीं दावेदार की बात निकल गई सीट के हाथ से, ऐसा नहीं है कोई, मुझे लगता है कि बेकार में उन चीजों को इशू बनाना नहीं चाहिए। दयाशंकर जी अपनी बात रख रहे थे, रख रहे होंगे, मैं दावेदारी की बात क्या है, मैं उस विधायक थी ना वहां की, अभी वर्तमान में हूं, जब तक कोई नया नहीं बनेगा तो उस क्षेत्र के की जिम्मेदारी तो आज भी है मेरे ऊपर। अगर आज मेरा कोई कार्यकर्ता आएगा, आज मेरे क्षेत्र का कोई व्यक्ति आएगा, तो ये जिम्मेदारी बनती है स्वाति सिंह की सरोजिनी नगर के विधायक होने के नाते कि मैं उनका काम करूं, और भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते ये मेरी जिम्मेदारी आजीवन बनी रहेगी कि मैं अपने, मेरे पास जो भी आएगा उनका मैं काम करूं और मैं भविष्य में भी करती रहूं। तो क्या कि आप डोर टू डोर कैंपेन करेंगी, नाराजगी कोई नहीं है, कोई नहीं है? अच्छा, आप एक चीज ये बताइए, मेरे चेहरे से नाराजगी लग रही है आपको? सपा में जाने की कुछ खबरें आ रही हैं। हाँ, मैंने भी कल देखा टीवी में, मैंने बताया आप लोगों को शुरुआत में ही कि जब मैं 17 साल की थी क्लास 12th में, तब मैंने विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया था। मेरी आत्मा है भारतीय जनता पार्टी, मेरे एक एक रोए में भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ है, मैं यहीं रहूंगी, यहीं मरूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। संदेश कैसे देंगी पब्लिक के बीच जाकर? आप ये चुनौती है, अभी चुनाव प्रचार डोर टू डोर जाके कर रहे हैं, रैलियां तो हो नहीं रही हैं, पार्टी के लिए कैसे और काम करेंगे? संदेश देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना जरूरी है, कोई पदाधिकारी होना आवश्यक। प्रत्याशी दिए गए हैं, उन्होंने आपसे संपर्क किया या उनसे आपकी कोई बात हुई, कैसे कैंपेनिंग कर रहे हैं? अभी नए प्रत्याशी तो कल ही आए हैं भाई, क्यों नहीं, देखिए हम सब पार्टी के कार्यकर्ता।